हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चोबे की पूरियां। उसके लिए मैं 1 कप गेहूं का आटा ली हूँ और 2 कप मैदा लेंगे। दोनों आटों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कि एक बड़ा चम्मच, साले का चम्मच होता है ना, उतना चम्मच से मैं तेल गरम कर चुकी हूँ अच्छे से। इसको ऐड कर देंगे। इसमें डालने के बाद 1 स्पून के चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि गर्म रहता है ना, हाथ डालने से डर लगता है, इसलिए जलने का डर रहता है ना। देखिए, एक बार चम्मच से मिलाने के बाद थोड़ा ठंडा हो गया है। अब इसको अच्छे से हम आटे में मिक्स कर लेंगे। देखिए, अच्छे से मिक्स कर चुके हैं हम इसको। अभी इसमें हम थोड़ा दूध ऐड कर लेंगे। मैं थोड़ा दूध का इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, बस 1 आधा कप दूध ले रही हूँ। मैं गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध है, और थोड़ा पानी का भी इस्तेमाल करेंगे, जितना लगेगा उतना। थोड़ा पानी और थोड़ा दूध कम इस्तेमाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसा पूरी का आटा गूंदते ना, उस तरह से गूंद के रख लेंगे। देखिए दोस्तों, मैं इतना सॉफ्ट इसको गूंद के रख ली हूँ। इसमें 1 स्पून तेल ऐड करके इसको थोड़ा चिकना कर लेंगे। इसको तेल में अच्छे से मैं मिक्स कर ली हूँ, और इसको ढक के कम से कम 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे रेस्ट होने के लिए। देखिए दोस्तों, इसके अंदर का स्टफिंग बना लेंगे हम। इसके लिए ड्राई कोकोनट लेके मैं इस तरह से ग्रेट करके रख ली हूँ। जिस कप से आटा ली थी ना, उसी कप से मैं 2 कप ग्रेट किया हुआ कोकोनट ले रही हूँ। इसी कप से 2 कप कोकोनट ली हूँ। उसी कप का इस्तेमाल करते हुए 1 कप भर के चीनी ली हूँ। इसी हुई चीनी में इसको थोड़ा इलायची को पीस ली हूँ मैं। 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे इलायची पाउडर। दोस्तों, 2 स्पून भर के ड्राई खसखस को ड्राई रोस्ट करके रख ली हूँ मैं। इसको ऐड कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने से इसमें अच्छी सी स्मेल आती है। दोस्तों, इसमें ऐड करने के ड्राई फ्रूट बता देती हूँ मैं। टूटी फूटी 1 कप ली हूँ। 1/2 कप तरबूज के बीज, 1/2 कप किशमिश, 1/2 कप कटे हुए काजू, 1/2 कप कटे हुए बादाम। आपकी चॉइस है, आप अभी जो भी इस्तेमाल करना चाहते हो कर सकते हो। सारे चीजों को इसमें ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो काजू बादाम किशमिश को हल्का घी में रोस्ट करके भी डाल सकते हो। देखिए, सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, आटा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। 10 से 15 मिनट ढक के रखने के बाद इसको अच्छे से एक बार हाथ से अच्छे से गूंद लीजिए। देखिए, अच्छे से गूंदने के बाद छोटे पूरियां जितना इतना आटा हम बॉल्स बना के रख लेंगे साइड में। देखिए, जितना पूरियों के लिए इतना इतना आटा लेके इस तरह से इसको अच्छे से राउंड कर ली हूँ मैं। और थोड़ा सूखे आटे में इसको इस तरह से डुबा के को बेल लेंगे, जितना पूरी जितना पतला बेल लेंगे। इतना पतला बेल लेना है आपको। जितनी बड़ी पूरी चाहिए उतना बड़ा पपड़ बेलना है आपको। उसके बाद स्टफिंग मिला के रख ले है ना, हम इसको अच्छे से मिक्स करके में डालते जाएंगे। इस तरह से बड़े स्पून से मैं 2 टीस्पून भर के डाली हूँ। आपकी मर्जी, आप कम या ज्यादा कर सकते हो। देखिए, इसको इस तरह से कर देंगे, करके हम इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। अच्छे से प्रेस करना है। अगर आप हल्के हाथ से करेंगे तो फिर तेल में जाके सारा तेल खराब हो सकता है, खुल जाएंगे ना, उसलिए इसको अच्छे से आप दबा कर प्रेस कीजिएगा। देखिए, पहले इसको अच्छे से मैं इस तरह से प्रेस कर चुकी हूँ। अभी इसका हम डिजाइन बना लेंगे, हाथ में ही बना लेंगे। देखिए, इस तरह से भी बना सकते हो, बस हल्के हाथ से। इसमें होल्स नहीं बनाना है आपको, नाखून से, नाखून नाखून लग जाएगा तो होल बन जाएगा, फिर सारा तेल खराब हो जाएगा आपका चीनी जाके। इसको हल्के हाथ से उठा के 1 प्लेट में रखते जाएंगे हम। देखिए, मैं 1 कढ़ाई रख के तेल गर्म होने के लिए रख चुकी हूँ। इसमें तेल मीडियम हीट होने के बाद इसमें ऐड करते जाएंगे, क्योंकि अगर ज्यादा गर्म हो गया तो जल सकते हैं पूरियां। देखिए, तेल में सारे जितने आएंगे इसमें इतने हम डालते जाएंगे। देखिए, अभी मैं इसमें 3 डाल चुकी हूँ। एक बार तेल अच्छा गर्म हो गया तो आप मीडियम फ्लेम में इसको रख दीजिएगा। देखिए, एक साइड से तल चुकी है, दूसरी साइड भी पलट लेंगे हम। हल्के हाथ से पलटना है आपको, ज्यादा इसके ऊपर चम्मच का जोर नहीं देना है, क्योंकि फट सकते हैं पूरियां। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से हल्के ब्राउन हो गए हैं, बस इतना ही कलर आना है हमको दोनों साइड से। अभी हम इसको निकाल लेंगे। दोस्तों, जैसे तले हैं अभी सारे, हम इसी तरह से मीडियम फ्लेम रख के एक बार तेल गर्म होने के बाद सारे इसी तरह से तल लेंगे। दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स, मैं सारे बना ली हूँ पूरियों को। देखिए, इतने सारे पूरियां हुए हैं। देखिए, एक बार तोड़ के भी बता देती हूँ मैं।
कितने कड़क हैं और कितने मजे के बने हैं, आप भी जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।